हम इंसानों का आने वाला भविष्य इंटरस्टेलर ट्रेवल का होने वाला है, जहां हम इंसान जीवन और हमारे दूसरे घर की तलाश में दूसरे स्टार सिस्टम्स और दुनियाओं की यात्रा करेंगे। आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज में वार्प ड्राइव्स और वर्म होल्स का उपयोग करते हुए इंसानों और दूसरी सभ्यताओं को लाइट स्पीड से दूसरे स्टार सिस्टम की यात्रा करते हुए तो जरूर देखा होगा, पर इस तरह की किसी टेक्नोलॉजी को अस्तित्व में आने वाले और कई सैकड़ों से हजारों सालों का समय लग सकता है। पर आज के समय में ऐसी कई टेक्निक्स मौजूद हैं जिन्हें डेवलप करने में हमें सिर्फ कुछ दशकों सालों का समय लगेगा, जिसकी मदद से हम भविष्य में इंटरस्टेलर ट्रेवल कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से हम भविष्य में इंटरस्टेलर ट्रेवल कर सकते हैं। सो एंड हैबिट फेथ की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। 1977 में मानव इतिहास के दो सबसे महत्वपूर्ण स्पेस मिशन को हमारी धरती से लॉन्च किया गया, जिनका मकसद हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर में मौजूद ग्रहों और एक अनदेखी दुनिया का पहली बार अध्ययन करना था। आज वॉयजर 1 और वॉयजर 2 मिशनों को 40 सालों से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में इन मिशनों ने न सिर्फ अपने ओरिजिनल मिशन यानी हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद गैस जायंट और उनके मून्स का अध्ययन कर उसकी कई तस्वीरें ली। साथ ही ये मिशन इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने वाले पहले स्पेसक्राफ्ट भी बन गए। सबसे पहले 2012 में नासा ने पहली बार अनाउंस किया था कि वॉयजर 1 मिशन ने आखिरकार हमारे सन के सोलार बबल यानी हीलियोपोस को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिला ले लिया है, जिसके साथ ही ये इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने वाला पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट बन गया। हमारे सौरमंडल को पार करते समय हमारी धरती से इसकी दूरी करीब 18 बिलियन किलोमीटर थी। ये सब हम इंसानों के लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि स्पेस युग की शुरुआत से ही हमने दूर तारों और एलियन ग्रहों की यात्रा करने के सपने शुरू कर दिए थे। पर आज के समय में इंटरस्टेलर ट्रैवल में सबसे बड़ी समस्या है टेक्नोलॉजी और इस तरह के किसी सफर में लगने वाला बेहद ही ज्यादा समय। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सौरमंडल के सबसे करीब मौजूद स्टार सिस्टम है, जो कि हमारी धरती से करीब 4.25 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में करीब 56,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहे वॉयजर मिशन को इस स्टार सिस्टम तक पहुंचने में ही करीब 70,000 सालों का समय लग जाएगा। ये सभी कैलकुलेशंस हमारे सौरमंडल के सबसे पास मौजूद अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम के लिए है। वहीं अगर हम केपलर और टेस जैसे प्लैनेट हंटिंग स्पेस मिशन द्वारा खोजे हुए एक्सोप्लैनेट्स और स्टार सिस्टम की यात्रा करने की सोचें, तो हमें कई हजारों से लाखों सालों का समय लग जाएगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो आज के समय में हमारी मौजूदा स्पेस और रॉकेट टेक्नोलॉजी किसी भी तरह के इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए काफ़ी नहीं है, और वर्तमान समय में हम हमारे ह्यूमन लाइफ स्पेन में इस तरह के किसी इंटरस्टेलर ट्रैवल की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार कैसे हम इंसान इंटरस्टेलर ट्रैवल कर दूर तारों तक का सफ़र तय कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब कुछ हद तक हमें साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखने को मिलता है, जहाँ हाईली एडवांस वार्प ड्राइव्स, वर्म होल्स और टेलीपोर्टेशन जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सभ्यताएं कई लाइट ईयर दूर मौजूद स्टार सिस्टम और प्लैनेट तक का सफर तय करती हैं। पर वर्तमान समय में हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी या स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है, जिसका उपयोग कर हम इंसान ऐसे हाईली एडवांस सिस्टम का निर्माण कर सकें। ऐसे में कई लाइट ईयर दूर दूसरी गैलेक्सी में मौजूद तारों का सफर की कल्पना तो छोड़ ही दीजिए, पर क्या वार्प ड्राइव्स की मदद से लाइट स्पीड से ट्रैवल करने और वर्म होल की मदद से ब्रह्मांड में कहीं भी तुरंत पहुंच जाने जैसी टेक्नोलॉजीज के बिना इंटरस्टेलर ट्रैवल संभव नहीं है? इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि इन टेक्नोलॉजीज के बिना भी इंटरस्टेलर ट्रैवल पॉसिबल है। इसमें कुछ तरीके इनडायरेक्ट हैं, जिनके अनुसार हम धीरे धीरे एक एस्टेरॉयड से दूसरे एस्टेरॉयड, एक ड्वार्फ प्लैनेट से दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट तक का स्लो और इनडायरेक्ट सफर करें। वहीं कुछ डायरेक्ट तरीके भी हैं, जिनके अनुसार हम ऐसे विशाल जनरेशन शिप्स का निर्माण करें जहां इंसानों के कई जनरेशन रह सकें और इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकें। वहीं कुछ डायरेक्ट तरीके भी हैं, जिसके अनुसार हम मौजूद टेक्नोलॉजीज को और एडवांस कर ऐसे एडवांस शिप का निर्माण कर सकते हैं जो कि तेज गति से सीधे दूर तारों तक का सफर तय करेगा। इन्हीं तरीकों में पहला तरीका है ड्रिफ्टिंग कॉमेट एंड एस्टेरॉयड। हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर यानी क्यूपर बेल्ट और ओट क्लाउड में ऐसे कई ड्वार्फ प्लैनेट और एस्टेरॉयड मौजूद हैं, जो कि या तो एक बेहद ही विशाल ऑर्बिट में हमारे सूरज का चक्कर लगाते हैं या डिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरे स्टार सिस्टम की ओर चले जाते हैं। ऐसे में अगर हम किसी तरह इन इंटरस्टेलर एस्टेरॉयड को कैप्चर कर सकें या इन पर किसी तरह का ह्यूमन बेस बना सकें,
तो हम इन एस्ट्रॉइड पर सवार होकर दूर गैलेक्सी में मौजूद इनके ओरिजिन स्टार सिस्टम तक का सफर तय कर सकते हैं। पर यह तरीका बेहद ही स्लो और इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि हमें इन एस्ट्रॉइड के डेस्टिनेशन का कुछ पता ही नहीं होगा, और साथ ही इस तरह के किसी सफर में कई हजारों से लाखों सालों का समय भी लग जाएगा। दूसरा तरीका है जनरेशन शिप। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे स्पेसशिप का आइडिया दिया है जो कि बेहद ही विशालकाय होगा, जो कि हजारों सालों लंबे इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए सैकड़ों इंसानों का घर होगा। इस जनरेशन शिप में हम इंसानों की कई जनरेशन रह सकेंगी, ताकि जब जनरेशन बूढ़ी होकर खत्म हो जाएगी तो इसकी अगली जनरेशन इस सफर को चालू रखकर आगे बढ़ा सके। ये स्पेसशिप आने वाले हजारों सालों के लिए इंसानों के लिए घर की तरह होगा, जहां उनके लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन मौजूद होगा। इन स्पेसशिप की स्पीड भले ही लाइट स्पीड तक की नहीं होगी, पर इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद होगा, जिसकी मदद से हम कई जनरेशंस के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और पानी प्रोड्यूस कर सकेंगे। पर इस तरह के किसी विशालकाय स्पेसशिप को बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। साथ ही इसके विशाल आकार को देखते हुए इस स्पेसशिप को हमें स्पेस में असेंबल करना होगा। वहीं एक और तरीका है जिससे इंटरस्टेलर ट्रैवल किया जा सकता है, और वो है न्यूक्लियर एंड हाइड्रोजन प्रोपल्शन। ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्टारशिप अपने रियर में मौजूद कंकशन प्लेट के पीछे न्यूक्लियर वॉरहेड एक्सप्लोड करता है, जिसके रिएक्शन के तौर पर एक बेहद ही तेज गेट थ्रस्ट पैदा होता है, जिसकी मदद से इस स्टारशिप को इतना ज्यादा थर्मोमोन्यूक्लियर फोर्स मिलेगा, जिसकी मदद से कई लाइट ईयर दूर मौजूद स्टार सिस्टम की ओर यात्रा कर सकेगा। आने वाला भविष्य ही बताएगा कि इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम इंसान इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकेंगे। ऐसे में आपके अनुसार इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी भविष्य में हम इंसानों को दूसरे स्टार सिस्टम की यात्रा में मदद कर सकता है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।